फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि आप इंस्टेंट ग्लो कैसे पा सकते हैं अपनी स्किन पर, और कंटिन्यूसली रखेंगे तो ब्राइट भी स्किन हो जाएगी। मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ एल्फ गुडनेस के टोनर के बारे में। आई नो बहुत सारे लोग इसे यूज़ कर चुके हैं, बट बहुत सारे ऐसे भी हैं, कुछ मेरे जैसे भी होंगे, जिन्होंने बहुत लेट किया है इसको यूज़, या यूज़ करने से पहले इसका कुछ रिव्यू चेक करने वाले हैं। तो ये आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, और सेंसिटिव स्किन वाले भी इसे यूज़ कर सकते हैं। ड्राई स्किन वालों के लिए तो ये बेस्ट है, मतलब हम लोगों के लिए तो मज़े वाली चीज़ है कि हम इसे यूज़ कर सकते हैं। और अभी जैसे विंटर है तो स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, तो भी इसे आप यूज़ करके देखिए, एक फेस पे बहुत अच्छा सा ग्लो आ जाएगा, स्किन ब्राइट होने लगेगी धीरे धीरे। ये है सैंडलवुड का टोनर है एल्फ गुडनेस का, 100 ml की इसकी ये बोतल है, और इसका जो प्राइस है 145 है, जो कि आपको डिस्काउंट में मिल सकता है। और ये मुझे मिला था, मैंने एल्फ गुडनेस के कुछ एसेंशियल ऑयल मंगाए थे, उसके साथ मुझे ये फ्री मिला था। अभी मैंने जो वीडियो शेयर की थी उसमें आप लोगों के साथ शेयर किया था कि ये मुझे फ्री मिला है, और फ्री मिलने के जो प्रोडक्ट हैं वो मुझे बहुत फ़ायदा किए हैं। मैं शायद परचेज़ नहीं करती, क्योंकि सेंसिटिव स्किन है तो ना, मैं बहुत सोच समझ के चीज़ों को परचेज़ करती हूँ और एकदम से नहीं करती। भाई स्किन का सवाल है, फेस है, कोई भी क्रीम ऐसी वैसी यूज़ करूँगी तो उसमें मेरी स्किन ख़राब होगी। लेकिन ये इतना अच्छा वर्क करता है कि मुझे लगा कि क्यों ना मैं ये आप लोगों के साथ शेयर करूं। अभी इससे पहले जो वीडियो मैंने शेयर की है वो है इस कॉफ़ी स्क्रब की, ये भी मुझे ऐसे ही मिला था कुछ परचेजिंग के साथ फ्री गुड वाइब्स का, तो ये मैंने लिया। और इसके जो इंग्रेडिएंट वगैरह है वो मैं आपको बिल्कुल नहीं बता सकती हूँ, लेकिन इतना कह सकती हूँ कि ये सभी स्किन टाइप वाले इसे यूज़ कर सकते हैं, बट सिर्फ विंटर में। और अगर बहुत ज़्यादा जब गर्मियाँ आनी शुरू हो जाएंगी, जब बहुत ज़्यादा चिपचिपी गर्मी आती है, तब शायद ऑयली स्किन वाले और कॉम्बिनेशन स्किन वाले इसे यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चिपचिपा फेस हो जाएगा, और हो सकता है कि भाई थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा आने की वजह से पिम्पल्स आ जाए, तो इसलिए उस टाइम पर आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। बट इतनी ठंड में जहाँ स्किन एकदम से क्रैक होने लगती है, उसमें आप ये टोनर्स यूज़ कर सकते हैं। इसके मैं एल्फ गुडनेस ने कुछ है ना नए टोनर्स भी लॉन्च किए हैं, तो वो भी मैंने परचेज़ किए हैं। आई डोंट नो वो कब आएंगे, बट उस मुझे ये अच्छा सूट आया तो इसलिए मैंने वो भी परचेज़ किया है। उसमें कई सारे हैं, स्किन टाइप्स के हिसाब से लॉन्च किए हैं, जैसे सेंसिटिव स्किन है, ऑयली स्किन है, कॉम्बिनेशन वाले हैं, नॉर्मल टू ड्राई वाले हैं, सुपर ड्राई वाले हैं, तो सबके लिए टोनर्स स्किन पे प्लीज़ ज़रूर लगाइए। अगर आपको ओपन पोर्स की कुछ प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि आपके जो पोर्स है वो बहुत ज़्यादा दिखते हैं, तो आप इसका यूज़ कीजिए। कोई और भी टोनर लगा सकते हैं, बट मुझे ये बहुत अच्छा लगा। मैंने गुड वाइब्स का भी एक टोनर यूज़ किया हुआ है, ग्रीन टी वाला, उससे मेरे फेस पे पिंपल्स आ गए थे, तो वो मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं आया। सेंसिटिव स्किन वालों को शायद वो सूट नहीं आता है, बट मेरे हस्बैंड को वो बहुत अच्छा वर्क करता है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि वो कैसा आपकी स्किन पे अच्छा वर्क कर रहा है। ये अच्छा वर्क कर रहा है, सैंडलवुड है या कोई और भी, रोज़ का भी इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे टोनर्स आए हुए हैं। इसका जो मैं आप लोगों को बता दूँ, ये स्प्रे है और बहुत ही ना वाटर, आपको पानी जैसा फील होगा, कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ बहुत ज़्यादा थिक है या कुछ है। टोनर्स काफ़ी वाटरी होते हैं, आपकी स्किन पे मॉइस्चर बनाए रखते हैं, मॉइस्चराइज रखते हैं, पीएच बैलेंस को बनाते हैं, स्किन बहुत ज़्यादा डल हो जाती है। आप कितना भी मॉइस्चराइज़र लगाइए, स्किन बार बार ड्राई होने शुरू हो जाती है। एक बार आप ये टोनर यूज़ करके देखना। मैं टोनर लगाने के बाद मॉइस्चराइज़र या अपना जेल लगाती हूँ, उसके बाद मेरी स्किन क्रैक नहीं होती है, ड्राइनेस तो बिल्कुल ख़त्म है, और फेस पे बहुत अच्छा ग्लो आ जाता है। आप इसको जब लगाएं तो प्लीज़ अपने आइज़ को दूर रखिए, बचाइए, मींस कि आंखें बिल्कुल भी ओपन मत कीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा जलन करेगा। अगर ये थोड़ा सा भी स्किन के अंदर, आइज़ के अंदर गया सॉरी, तो ये बहुत ज़्यादा जलन करेगा। बट इसकी स्मेल बहुत अच्छी है,
स्किन में जाके ये बहुत अच्छा ग्लो करता है पूरा टाइम। आपको जो आप स्किन केयर फॉलो करते हैं मॉर्निंग में फेस वॉश करने के बाद और नाइट में भी, बट बीच में आपको स्प्रे करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि फेस डल लगता है, आपकी स्किन है ना ऑल टाइम ग्लो करेगी, ब्राइट होती चली जाएगी, आपको खुद आपकी स्किन से प्यार हो जाएगा। आप देख सकते हैं पहले और अब में मेरी स्किन में फ़र्क है। टोनर का यूज़ कीजिए और जो मैंने स्क्रब आप लोगों के साथ शेयर किया है उसे कीजिए, आप खुद फ़र्क देखेंगे। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, आइज़ मत खोलिएगा अगर, और इसको थोड़ा सा ना दूर से, क्योंकि इसका स्प्रे इतना अच्छा है कि वो पूरे फेस पे आता है बट वो आइज़ के पास भी अगर थोड़ा सा भी जमा हुआ तो वो आइज़ के अंदर चला जाएगा, तो आँखों को प्लीज़ बचाइएगा। और इसके कोई भी टोनर आप यूज़ कर सकते हैं, मैं इसके और भी टोनर तो इसके मैं और भी टोनर्स परचेज करने वाली हूँ, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। और टोनर लगाने के बाद आप अपना सीरम, जेल, मॉइस्चराइजर जो भी लगाते हैं आप वो अप्लाई कर लीजिए और कुछ ही दिन में डेफिनेटली आपको फर्क नजर आएगा। तो आप अगर इंस्टेंट कहीं ग्लो पाना चाहते हैं, कहीं जा रहे हैं, तो ये दोनों चीजें आप यूज करके देखिए, आपको स्किन पे ग्लो नजर आएगा और मेकअप भी बहुत अच्छा लगेगा। आपको हाइलाइटर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप सिंपल सा मेकअप करके जा सकते हैं। तो चलिए ये मैं वीडियो को एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बाय बाय।